आज हम लोग पार्टनरशिप का दूसरा क्लास करेंगे और प्रथम क्लास से हम लोगों ने पार्टनरशिप से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को बनाए थे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक पहले वाले क्लास नहीं किए हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, रवीना और सुनीता के पास 127 रुपया है, सुनीता और अविनाश के पास 153 रुपया है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 रुपया है। तो रवीना के पास कुल कितना धन है? यहाँ पर आपको बताना है रवीना के बारे में कि रवीना के पास कितना रुपया है यानी धन है। क्वेश्चन में आपको पता है रवीना और सुनीता के पास कितना रुपया है, 127 रुपया है। पुनः आपका है सुनीता और अविनाश, सुनीता और अविनाश के पास जो धन है वह कितना, 153 है, जबकि अविनाश और रवीना के पास कितना है, 160 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर आपको तीनों व्यक्ति का धन पता है तो इसका योग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं रवीना कितने बार है, 2 बार है, अविनाश भी 2 बार है और सुनीता भी कितना है, 2 बार है, यानी 2 आपका कॉमन चलाएगा। यानी आप कह सकते हैं रवीना, सुनीता और अविनाश के पास जो कुल धन है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपका 2 कॉमन आएगा तो इससे आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसके धन का योग कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 0, या आपका हो जाएगा 6 5 11 2 14, पुनः आपका हो जाएगा 3, हाँ सील बनते आपका हो जाएगा 4, यानी 447 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों 2 कॉमन लिए थे तो 2 इससे आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 220 रुपया हो गया तीनों के पास कुल धन, मतलब रवीना, सुनीता और अविनाश, इस तीनों के पास आप कह सकते हैं 220 रुपया है। आपको निकालना है रवीना के पास कितना रुपया है। यहाँ पर अगर हम लोग तीनों के धन में से सुनीता और अविनाश का माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ रवीना का। तो सुनीता और अविनाश का कितना, 153 है, 153 माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 7, पुनः आपका हो जाएगा 6 5 11 यानी 67। आप कह सकते हैं सिर्फ रवीना के पास कितना धन है, 67 रुपया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही होगा, 67 रुपया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपया अर्जित हुआ तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल लाभ आपको पता है 23,000 का है, तब आपको उसमें बताना है साक्षी का लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 3 व्यक्ति के बारे में पता है, सुमन, साक्षी और मयंक, ठीक है। क्वेश्चन करें, सुमन साक्षी से 5 गुना, तो साक्षी अगर 1 अनुपात में निवेश करेगा तो सुमन कितना करेगा, 5 अनुपात में करेगा। या दोस्तों इसके निवेश का अनुपात आ गया सुमन और साक्षी का। पुनः आगे क्वेश्चन करें, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 बार, तो मयंक अगर दोस्तों 5 अनुपात में करेगा तो साक्षी कितना हो जाएगा, 5 का निकाल लीजिए 3/5, तो आपका आ जाएगा 3। ये आ गया साक्षी और मयंक के निवेश का अनुपात, ठीक है। यहाँ पर इसे बैलेंस कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 5, या आपका हो जाएगा 3, या आपका हो जाएगा 15, यानी 15 3 और 5 के अनुपात में आ गया तीनों के निवेश का अनुपात। और यहाँ पर आपको कुल लाभ पता है 23,000। तो आप लोग को दोस्तों मैंने पहले क्लास में बताया था लाभ जो होता है वह पूंजी और समय का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूंजी पता है कि 15:3:5 के अनुपात में है तीनों का, लेकिन आप बात करते समय की। तो क्वेश्चन में दोस्तों कहीं भी आपको समय की चर्चा नहीं है, बस आपको कह रहा है वर्ष के अंत में। तो जब भी दोस्तों समय की चर्चा नहीं होती तो वहाँ पर हम लोग 1 वर्ष यानी 12 महीना मानते हैं। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं सभी में क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लाभ जो होता है वह पूंजी और समय का गुणनफल होता है। तो समय दोस्तों पुनः 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब 15 3 और 5 में, तो 12 दोस्तों आपका कट ही जाएगा। तो आप कह सकते हैं यही आपका क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा, मतलब 15 3 और 5, मतलब आप लोग कह सकते हैं अनुपात में टोटल लाभ कितना है, 23 है, जबकि रियल में कितना है, 23,000 है। तो दोस्तों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है 1 अनुपात का मान, तो आपका आ जाएगा 1,000, ठीक है। जब आपको 1 अनुपात का मान पता है तो आप लोग किसी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको निकालना है किसका, साक्षी का। तो साक्षी यहाँ पर देखिए 3 अनुपात में है और आपको 1 अनुपात का मान पता है 1,000, तो आप लोग कह सकते हैं 3 अनुपात का मान कितना होगा, 3,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 3,000 रुपया, मतलब इस 23,000 में साक्षी का लाभ कितना है, 3,000 है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, 37 47 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा भाग और दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे भाग का 1/6 भाग आपस में बराबर हो, ठीक है। मान लेते हैं वह 3 भाग कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। क्वेश्चन करें, पहले भाग का आधा, तो एक्स का मतलब मल्टीप्लाई, आधा मतलब 1/2, तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं आपको हो जाएगा एक्स बटा टू। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स बटा टू। आगे क्वेश्चन करें, दूसरे भाग का 1/3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई बटा थ्री। फिर आगे करें, तीसरे भाग का 1/6 भाग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जेड बटा सिक्स। और यह आपस में क्या है, बराबर है, तो इक्वल टू आपको कर देना है, ठीक है। जब दोस्तों यह आपस में बराबर है तो आप लोग कह सकते हैं इसके रेशियो का जो अनुपात होगा वो आपको हो जाएगा 2:3:6 के अनुपात में, ठीक है।
मतलब इस अनुपात में आपको बांटना है। तो यहाँ पर तो तीनों का योग कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 6 3 9 2 11, यानी अनुपात में तीनों का योग कितना है 11 है, जबकि रियल में कितना है 37 46 है, तो इक्वल टू कर दीजिए 37 46। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं एक अनुपात का जो मान होगा ये आपको हो जाएगा अगर 33 आपको हो जाएगा अगर 44 44, यानी 340। एक अनुपात का मान आपको पता हो गया 340, आपको निकलना है तीनों भाग का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं पहला है 2 अनुपात, ये आपको हो जाएगा 340 2 9 680, यानी एक्स का हिस्सा कितना है 680 है। तो एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है जिसका दोस्तों पहला भाग यानी एक्स कितना है 680 है। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका क्या सही है। तो इस तरह से आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के 4थाई भाग बराबर हो। पहले भाग के 7वें मतलब एक्स बटा 7, दूसरे भाग के 5वें मतलब वाई बटा 5, तीसरे भाग के करा 4था तो मतलब जेड बटा 4 करा, या तीनों क्या बराबर हो। तो यहाँ पर तो इक्वल टू कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं आपका 7:5:4 के अनुपात में हो जाएगा इसके अनुपात का रेशियो, मतलब 7, 5 और 4 के अनुपात में आपको बांटना है। यहाँ पर तो सभी का योग कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 7 5 12 4 16, यानी अनुपात में आपका हो जाएगा 16, जबकि है कितना टोटल 1600 है। यहाँ पर आपका दोस्तों 16 अनुपात का मान हो जाएगा 1600, तो एक अनुपात का मान आप कह सकते हैं 100 होगा। एक अनुपात का मान आपको पता है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 7 अनुपात का मान होगा 700, 5 अनुपात का 500 और 4 अनुपात का 400। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 20 हो जाएगा, 700 500 400, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, तो इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक भागीदारी फॉर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% और आशांक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ अर्जित करता है तो आशांक कितना लाभ अर्जित करेगा। तो यहाँ पर आपको तेजल के बारे में पता है कि तेजल कितना का लाभ अर्जित करता है 10 लाख का, तो आपको बताना है आशांक कितना का लाभ अर्जित करेगा। यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं, आपको पता है तेजल और आशांक के बारे में, ठीक है। तेजल का हिस्सेदारी है 40% का और आशांक का है 60% का। यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए तो परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, पुनः आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, या आपको हो जाएगा 2:3, मतलब तेजल और आशांक की जो हिस्सेदारी है वह 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। और आपको पता है कि तेजल का कितना है 10 लाख है, मतलब तेजल है कितना 2 अनुपात में, यानी 2 अनुपात का मान आपको पता है कि 10 लाख है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 1 अनुपात का मान कितना होगा 5 लाख होगा। आपको निकालना है आशांक का लाभ, तो आशांक है दोस्तों 3 अनुपात में, तो आप लोग कह सकते हैं 3 अनुपात का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 15 लाख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15 लाख। आप लोग कह सकते हैं आशांक का जो लाभ होगा वह 15 लाख का होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख निवेश किए। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों का कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सोहन के बारे में बताना है कि सोहन कितने महीने के बाद उस व्यवसाय में शामिल हुआ था। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पता है मोहन और सोहन के बारे में, ठीक है। इसके निवेश का जो अनुपात है आप लोग कह सकते हैं 10:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो यह तो हो गया दोस्तों दोनों के निवेश का अनुपात 10:4 में, ठीक है। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि आप लोग सीखे हैं लाभ जो होता है वह पूंजी और समय का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूंजी पता है, अब बात करते हैं समय की। तो समय दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अंत में, तो जब दोस्तों समय आपको क्लियर पता नहीं रहे तो वहाँ पर दोस्तों 1 वर्ष यानी 12 महीना मानते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं मोहन टोटल 12 महीना तक काम किया होगा, क्योंकि मोहन ने व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है। अब बात करते हैं समय की, तो मल्टीप्लाई कर देना है समय, तो सोहन का हो जाएगा 12 महीना, मतलब 12 महीना तक इसने काम नहीं किया है, कुछ महीने के बाद इसमें शामिल हुआ है। यहाँ पर तो माइनस कर देते हैं एक्स, मतलब एक्स महीने के बाद यह व्यवसाय में शामिल हुआ है। और यह दोस्तों पूंजी मल्टीप्लाई समय, और यह भी आपका हो गया पूंजी मल्टीप्लाई समय, जो आप लोग जानते हैं लाभ होता है। और यहाँ पर तो आपको लाभ पता है कितना है 3:1 के अनुपात में, यह आपका हो जाएगा 3/1, क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है बट्टा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसे सोल्व करके एक्स का मान निकाल लेना है, तो आपको हो जाएगा 4 3 12 3, तो आपको हो जाएगा 30 इक्वल टू, यहाँ से आपको हो जाएगा 12 3 36 माइनस हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 3x का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 6, तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 2। तो आप लोग कह सकते हैं 2 महीने के बाद सोहन व्यवसाय में शामिल हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 20 हो जाएगा 2 महीना। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसके पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में उन्हें 1 लाख रुपया और चरण 2 में 80,000 रुपया प्राप्त हुआ। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक कंपनी को जो है ना 5 वर्ष पहले 60% का नुकसान हुआ था,
पाँच वर्ष पहले जो पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था, इस नुकसान को दोस्तों उन्होंने दो चरणों में वसूला है, ठीक है। पहला चरण में 1 लाख और दूसरा चरण में 80,000, यानी आप लोग कह सकते हैं 60% का जो नुकसान हुआ था उन्होंने दोस्तों यह दो तरह की धन प्राप्त कर पूर्ति कर लिया है। पहला चरण में 1 लाख और दूसरा चरण में 80,000, यानी 1,80,000 का नुकसान हुआ था जो इन्होंने दो चरणों में प्राप्त किया, ठीक है। यानी आप लोग कह सकते हैं 60% का जो मान है वह कितना, 1,80,000 है। आपको निकालना है उसका प्रारंभिक पूंजी, यानी कोई भी चीज़ का होता है 100% होता है, यानी आपको निकालना है 100% का मान, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1,80,000, ठीक है, बटा में आपको लिखना है 60, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1% का मान। आपको जो 100% का तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपको दोस्तों 0 से 0 कहता हूँ, या आपको 36 का 18 यानी 3, तो यहाँ से आपका 3 पर हो जाएगा 50, यानी आप लोग कह सकते हैं 3 लाख। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 3 लाख, यानी आप लोग कह सकते हैं उस कंपनी का जो प्रारंभिक निवेश था वह कितना का था, 3 लाख का था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एन के पास के से पी अधिक धन है, एन और के दोनों की कुल राशि क्यू है, के पास कितना धन है। तो यहाँ पर आपको बताना है के पास कितना धन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पता है एन के पास जो है ना के से पी अधिक धन है, यानी के जितना धन तो है ही, साथ में पी अधिक धन है तो प्लस कर देना है पी। आगे क्वेश्चन करें एन प्लस के का जो कुल धन है वह कितना है, क्यू है। तो यहाँ पर आपको निकालना है के का मान, तो यहाँ पर एन का मान पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा के प्लस पी, अब प्लस हो जाएगा के इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2k इक्वल टू क्यू माइनस पी। आपको निकालना है k का मान, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू माइनस पी अब बटा में आपका हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा क्यू माइनस पी बटा 2। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कि स्पोर्ट एक्सो सीरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपया के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए। उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला। देखिए क्वेश्चन में आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स एक्सो सीरीज का जो दुकान है वह 200 रुपया पंजीकरण के साथ, ठीक है, 200 रुपया पंजीकरण के साथ एक प्रतियोगिता शुरू करता है, ठीक है, और उन्हें उम्मीद होता है कि 300 लोग आएगा, ठीक है। उस दुकानदार को लगा कि 300 लोग आएगा, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, प्रतियोगिता के दिन केवल कितना लोग आए, 200 लोग आए, ठीक है। तो प्रतियोगिता के दिन केवल 200 लोग आए और 200 रुपया पंजीकरण शुल्क था, तो 200 मल्टीप्लाई कर देना है 200, यहाँ पर तो आपका रुपया नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में आप कह सकते हैं 300 लोग का उम्मीद था, आया कितना, 200 लोग, लेकिन शुल्क कितना है, 200 का है, तो यहाँ पर तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 60,000, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40,000। उसे लगा था 60,000 रुपया होगा, लेकिन हुआ कितना, 40,000। तो यही दोस्तों आपको बताना था कि उसकी अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश उन्हें कितना कम पैसा मिला। दुकानदार को अपेक्षा था 60,000 का, लेकिन मिला कितना, 40,000, यानी आप लोग कह सकते हैं 20,000 कम रुपया मिला, ठीक है, दुकानदार की अपेक्षा से 20,000 कम रुपया प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीने के बाद सी भी 70,000 का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। यदि 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो एक्स का मान बताइए। यहाँ पर तो आपको एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है किसके बारे में, ए बी और सी के बारे में, ठीक है। यानी आप लोग कह सकते हैं 5, 6 और 7 के अनुपात में इसके निवेश का रेशियो है। इसके निवेश का रेशियो पता है। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि लाभ जो होता है पूंजी और समय का गुणनफल होता है। यहाँ पर तो आपको पूंजी पता है। अब बात करते हैं समय की, तो क्वेश्चन है आपको पता है वर्ष के अंत में, यानी आप लोग कह सकते हैं 1 वर्ष यानी 12 महीना, यानी ए आप कह सकते हैं शुरू से 12 महीना तक काम किया है, तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 12। लेकिन बी जो है ना एक्स महीने के बाद साझेदारी से निकल जाता है, यानी आप लोग कह सकते हैं बी 12 माइनस एक्स महीने तक काम किया है। और सी के बारे में पता है कि सी एक्स महीने के बाद आता है, तो टोटल काम चला है 12 महीना, तो मल्टीप्लाई कर देना है 12, लेकिन एक्स महीने के बाद आता है, तो आपका हो जाएगा 12 माइनस एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस टर्म को समझिएगा। आपको पता है कि टोटल काम कितना महीने तक चला है, 12 महीने तक चला है, ठीक है। जब भी आपको यह क्वेश्चन में नहीं पता है कि काम कितने महीने तक चला है, तो हम लोग मानते हैं कि 1 वर्ष यानी 12 महीने तक काम चला है, ठीक है। यानी 12 महीने तक काम चला है, तो कोई दोस्तों एक्स महीने के बाद आता है और कोई एक्स महीने पहले छोड़ता है। अगर दोस्तों 12 महीना में से उसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि काम कितने महीने तक वह किया है, मतलब कितने महीने तक अपने पूंजी का इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं पूंजी मल्टीप्लाई समय आपका हो गया लाभ, यह भी आपका हो गया पूंजी मल्टीप्लाई समय लाभ, और यह भी आपका हो गया पूंजी मल्टीप्लाई समय लाभ।
और आपको लाभ पता है 20, 18 और 21 के अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो टर्म को बराबर कर लेना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12 बटा में आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12 माइनस x इक्वल टू आपका हो जाएगा 20/18। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 × 2 = 12 या आपको जगह 5 × 20 = 4, पुनः आपको जगह 2 × 2 = 4 = 2। तो यहाँ से आपका जगह 9 × 2 = 18 = 9। तो यहाँ से आपका जगह 12 − x = 9। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं x का जो मान होगा ये आपको जगह 9 × 3 = 3। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3, ठीक है। आपको निकालना था एक्स का मान, तो यहाँ पर तो आपका एक्स का मान क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपया और 1800 रुपया निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उसके हिस्से का अंतर 47 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो आपको निकालना है टोटल लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है पी और क्यू के बारे में, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं पी और क्यू का जो निवेश का अनुपात है वह 14:18 है, ठीक है। तो यहाँ से इसे काट कर छोटा कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 7:9। यह दोस्तों इसके निवेश का अनुपात हो गया पी और क्यू का। आगे क्वेश्चन करें वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए, मतलब उसे जो लाभ प्राप्त हुआ है उस लाभ का आधा हिस्सा रखता है व्यवसाय के संचालन के लिए, और आपको पता है कि वह व्यवसाय किस अनुपात में करता है, 7:9 के अनुपात में करता है, यानी 9:7 आपका हो जाएगा 16। यानी आप लोग कह सकते हैं 16 अनुपात का व्यवसाय करता है, यानी आधा का व्यवसाय करता है। तो आधा दोस्तों उसके पास बाकी है, यानी आप लोग कह सकते हैं इसका 2 गुना कर देना है तो आपको हो जाएगा 16 × 2 = 32। यानी आप लोग कह सकते हैं उसका जो कुल लाभ है वह कितना है, 32 का है। यानी अनुपात में आप लोग कह सकते हैं कुल लाभ कितना है, 32 है। फिर आगे क्वेश्चन करें लाभ में उसके हिस्से का अंतर 47 रुपया है। यहाँ पर तो आपको अंतर पता है रियल में कितना का है, 47 का है, जबकि अनुपात में कितना का है, 2:1 का है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 2:1 का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 47। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 1:1 का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 47/2। आपको निकालना है 32 अनुपात का मान, तो मल्टीप्लाई कर देना है 32। तो यहाँ से आपका जाएगा 16 × 2 = 32। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या बचा आपका 47 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। जब दोस्तों इसे मल्टीप्लाई की जगह तो आपका जगह 752, यानी आप लोग कह सकते हैं कुल लाभ कितना का है, 752 रुपया का है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही हो जाएगा, 752। और यह दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जिसे आप लोग समझे, ठीक है। और हम लोगों ने लगभग इस 2 क्लास में पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। तो आप लोग दोस्तों अगर पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, आपका दोस्तों पार्टनरशिप से एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस 2 क्लास को कंप्लीट देखने के बाद कोई भी बुक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।